नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टेशन चैनल पर आपका स्वागत है। एक ओर तो इस समय चीन अपने इतिहास की सबसे बड़ी मंदी की मार झेल रहा है और दूसरी ओर अपनी सेनाओं को दुनिया की सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए एक से बढ़कर एक हथियारों का निर्माण कर रहा है। अब चीन की सेना फ्यूचर के हथियार का टेस्ट कर रही है। यह हथियार डायरेक्ट एनर्जी वेपन की तरह ही तबाही मचा सकता है। अब दुनिया के शक्तिशाली देशों को यह पता चल गया है कि आने वाला समय गोला और बारूद का नहीं होगा, आने वाला समय टेक्नोलॉजी के हथियारों से लड़ा जाएगा। इसलिए दुनिया के सभी देश गोला और बारूद को छोड़कर भविष्य के हथियार को बनाने के लिए भारी पूंजी का निवेश कर रहे हैं। चीन अपनी सेनाओं को दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना बनाने के लिए काइल गन का निर्माण कर रहा है। सच मानिए, यह हथियार किसी सुनामी से कम नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि काइल गन क्या होता है? इस हथियार को आम भाषा में रेल कहा जाता है। इस हथियार में एक लोहे के गोले को तेज गति से फायर किया जाता है। इसके कारण यह लोहे का गोला इतनी तेज गति से फायर करता है कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी वस्तु को पल भर में नष्ट कर सकता है। रेलगन गोला और बारूद की तुलना में काफी सस्ता पड़ता है। चीन में जिस रेलगन का टेस्ट किया है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह दुनिया का सबसे बाहरी प्रोजेक्ट काइलगन माना जा रहा है। जब चीन की नौसेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेट पर चलने वाली इस रेलगन का टेस्ट किया तो इसकी गति 700 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। अगर इस हथियार को चीन ने अपनी सेना के लिए बना लिया तो चीन समुद्र में तबाही ला सकता है। इस रेलगन के द्वारा चीन समुद्र में बड़े से बड़े वॉरशिप डिस्ट्रॉयर को आसानी से निशाना बना सकता है। रेलगन के फायर होने के बाद यह लोहे का गोला मोटी से मोटी स्टील की चादर को पल भर में तबाह कर सकता है। अब आपको जानकर खुशी होगी कि भारत भी इस भविष्य के हथियार को बनाने में लगा हुआ है। रेलगन बनाना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया के कुछ ही देश इस टेक्नोलॉजी के हथियार को बनाने में लगे हुए हैं। रेलगन भविष्य का हथियार होगा और जो देश इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले बना लेगा पूरी दुनिया उस देश को सलाम करेगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।